दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NS टेक्निकल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि आप ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में एक साथ 5 से 6 टीमें कैसे बना सकते हैं। दोस्तों मेरे एक वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में एक साथ 4 या 5 टीमें कैसे बना सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना टॉपिक पर एक वीडियो बना दी जाए। दोस्तों इसलिए मैंने सोचा कि आज हम इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे। दोस्तों मैं दोस्तों आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं, नहीं तो दोस्तों कई यूट्यूबर क्या करते हैं कि आप कितने भी कमेंट करते रहो लेकिन कोई भी जवाब, आप मुझे अच्छा सपोर्ट भी करते हैं और दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए IPL के पूरे सीजन भर ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों चलिए तो वीडियो के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए अपने मोबाइल में ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के लिए ओपन कर लेना है। जैसे आप ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के लिए ओपन करेंगे, इसके बाद आप नीचे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैच होने वाला है IPL में, टाटा IPL। यहाँ पर देख सकते हैं सनराइजर हैदराबाद वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के बीच में। चलिए तो हम आपके लिए बताते हैं कि आपके लिए ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में आप एक साथ 4 से 5 या 5 से 6 टीमें कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट टीम पर। जैसे ही आप क्रिएट टीम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके लिए विकेट कीपर, यहाँ से बैट्समैन, यहाँ से ऑलराउंडर और यहाँ से बॉलर चूज कर लेना। चलिए तो यहाँ पर हम पहले तो विकेट कीपर चूज करते हैं। विकेट कीपर में जॉस बटलर, इसके बाद यहाँ पर एन पूरन, इसके बाद बैट्समैन में लेते हैं केन विलियमसन के लिए, एस हिटमार के लिए राहुल त्रिपाठी और इसके बाद जी फिलिप्स। इसके बाद दोस्तों हम ऑलराउंडर पर करते हैं क्लिक। यहाँ से हम दो ऑलराउंडर चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ से बॉलर चूज कर लेना है। चलिए तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार, टी बोल्ड और आर अश्विन। इसके बाद आपके लिए कंटिन्यू पर करते हैं क्लिक। और यदि आप एक बार टीम चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टीम रिव्यू पर करेंगे क्लिक। जैसे ही आप टीम रिव्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके लिए एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर करेंगे क्लिक। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके लिए यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज कर लेना है। चलिए तो हम यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज कर लेते हैं। कैप्टन में जॉस बटलर और वाइस कैप्टन में कैन विलियमसन। इसके बाद सेव टीम पर क्लिक करेंगे। आप सेव टीम पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर माई टीम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप माई टीम पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अभी दो टीमें बना ली हैं। एक टीम मैंने पहले से बनाई हुई थी दोस्तों, इसलिए यहाँ पर एक टीम और एक्स्ट्रा शो हो रही बना ली है। यदि दोस्तों आपके लिए लगता है कि आपके लिए इसमें कोई भी चेंजेस करना है तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं आप अपने प्लेयर के लिए मैच शुरू होने से पहले। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप अपने प्लेयर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यदि आप कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद सेव टीम पर क्लिक करेंगे। सेव टीम पर क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्रिएट टीम। यदि आपके लिए एक और टीम बनाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट टीम पर। क्रिएट टीम पर दोस्तों क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ ज्वाइन कर लेंगे दूसरी टीम। तो यहाँ पर आपके लिए यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। आपके लिए दूसरी टीम में एक से प्लेयर लेना नहीं है, मतलब कि जो आपने पहली टीम में चूज करे हैं वही स्वयं दूसरी टीम में आपके लिए प्लेयर बिल्कुल भी लेना नहीं है। आपके लिए एक दो प्लेयर या फिर पूरी की पूरी टीम चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए वही प्लेयर दोबारा इस टीम में नहीं लेना है। मैं आपके लिए यह नहीं बोल रहा कि आपके लिए पहली टीम बनाई उसमें से एक भी प्लेयर इस टीम में नहीं लेना। मैं यह बोल रहा हूँ कि आपके लिए उस टीम में से पूरे प्लेयर इस टीम में नहीं ज्वाइन करना है, नहीं तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वही प्लेयर उस टीम में रहेंगे और वही प्लेयर इस टीम में। इसमें आपके लिए कुछ भी चेंज कर लेना है, कैप्टन या वाइस कैप्टन कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम विकेट कीपर से चेंज करते हैं, यहाँ पर लेते हैं संजू सैमसन और एन पूरन के लिए। इसके बाद बैट्समैन पर क्लिक करेंगे, बैट्समैन में हम लेते हैं केन विलियमसन, देव का पार्टिकल और यहाँ पर देख सकते हैं अरविंद देव दुई। यहाँ पर इसके बाद ऑलराउंडर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ऑलराउंडर तीन ऑलराउंडर चूज कर लेते हैं, जी नीशम और यहाँ पर डी मिचेल्स। इसके बाद बॉलिंग में भी चेंज कर लेते हैं, जो मैंने पिछली टीम में लिए थे उनकी जगह पर हम दूसरी टीम में दूसरे बॉलर चूज करते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम युजवेंद्र चहल, इसके बाद कॉल्टर नायल, इसके बाद एस गोपाल। इसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू पर करेंगे क्लिक। आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके लिए बताते हैं आपके लिए यहाँ के लिए जो आप दूसरी टीम बनाएंगे उसमें आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन भी चेंज करना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप वही कैप्टन और वाइस कैप्टन रखेंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। चलिए तो हम यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन में चेंज
चेंजेस कर देते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर कैप्टन बनाते हैं संजू सैमसन के लिए और 22 कैप्टन बनाते हैं जी नीशम के लिए, क्योंकि जी नीशम ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर संजू सैमसन बहुत ही शानदार बैट्समैन है। इसके बाद सेव टीम पर क्लिक करेंगे। जी सेव टीम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी एक और टीम ज्वाइन हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कैप्टन संजू सैमसन और 22 कैप्टन जी नीशम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप अपनी टीम एक बार चेक कर सकते हैं। यदि आपके लिए इसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं मैच शुरू होने से पहले। इसके बाद आपके लिए बता दें कि आप यदि चौथी टीम बनाना चाहते हैं एक ही मैच में एक साथ तो कैसे बना सकते हैं। फिर से आपके लिए दोबारा क्रिएट टीम पर करना होगा क्लिक। जैसे ही आप क्रिएट टीम पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके लिए यहाँ से विकेट कीपर चूज कर लेना है। चलिए तो यहाँ पर अब हम विकेट कीपर में जॉस बटलर के लिए बस चूज करते हैं। इसके बाद बैट्समैन पर आएंगे, बैट्समैन में केन विलियमसन के लिए और एस हिटमायर के लिए। इसके बाद हम नीचे आते हैं, इसके बाद हम लेते हैं जी फ्लिप्स के लिए, इसके बाद हम लेते हैं देवकर पार्टिकल के लिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने चार बैट्समैन और एक विकेट कीपर चूज कर लिया। इसके बाद ऑलराउंडर में एक ही ऑलराउंडर लेते हैं जी नीशम के लिए। इसके बाद बॉलर पर करते हैं क्लिक। के लिए यहाँ से बॉलर में यदि कुछ भी बदलाव करना है तो बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने पहले और दूसरी टीम में जो भी बॉलर लिए थे यदि आप उनमें से एक दो बॉलर के लिए बस इस टीम में शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी चेंज भी कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम कोल्टन नायर के लिए अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और इसके बाद प्रसिद्ध के लिए कर लेते हैं अपनी टीम में शामिल। इसके बाद यू मलिक, इन्हें भी आप अपनी टीम में इन्हें भी हम अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक ऑलराउंडर के लिए अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपनी टीम बना ली है। इसके बाद आपके लिए कंटिन्यू पर कर देना क्लिक। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके लिए यहाँ से वाइस कैप्टन और कैप्टन चूज कर लेना। फिर आप कैप्टन बनाते हैं भुवनेश्वर के लिए और 22 कैप्टन प्रसिद्ध कृष्णा के लिए। इसके बाद आपके लिए सेव टीम पर करना है क्लिक। जैसे ही आप सेव टीम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चौथी टीम सक्सेसफुली बना ली है जिसमें कैप्टन भुवनेश्वर कुमार और 22 कैप्टन प्रसिद्ध कृष्णा है। इसके बाद यदि हम पांचवी टीम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट टीम पर। जैसे ही क्रिएट टीम पर क्लिक करेंगे यहाँ से हम चलिए तो यहाँ पर हम विकेट कीपर में सबसे पहले यहाँ पर एन पूरन के लिए बस चूज करते हैं। इसके बाद बैट्समैन पर केन विलियमसन और हिटमायर और यहाँ पर देवकर पार्टिकल और यहाँ पर जे फिलिप्स के लिए। इसके बाद ऑलराउंडर में यहाँ से चूज करते हैं जी नीशम के लिए। जी नीशम के लिए आपके लिए बिल्कुल भी मिस नहीं करना है किसी भी टीम में। इसके बाद के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद आपके लिए बॉलिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही बॉलिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपके लिए अब अपनी टीम में कुछ भी बदलाव नहीं करना है। आपके लिए जो आपने पिछली टीमों में बॉलर लिए उन्हीं में से आपके लिए यहाँ से चूज कर लेना है। सिर्फ आपके लिए एक दो ही चेंजेस कर लेना है, मतलब कि एक रखना कम एक में ज्यादा। चलिए तो यहाँ पर हम यजमान चहल के लिए और ट्रेंट बोल्ट के लिए और आर अश्विन के लिए और यहाँ पर एस गोपाल के लिए अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर करना है क्लिक। कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ से चूज कर लेना है। चलिए तो यहाँ पर हम कैप्टन ट्रेंट बोल्ट के लिए और वाइस कैप्टन एस गोपाल के लिए चूज कर लेते हैं। इसके बाद सेव टीम पर करना है क्लिक। टीम पर क्लिक करके यहाँ पर सक्सेसफुली देख सकते हैं मैंने पांच टीमें बना ली हैं एक ही मैच में। यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ पांच टीमें बना ली हैं। दोस्तों यदि आप इसे एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट टीम पर क्लिक करते जाएंगे और टीम बनाते जाएंगे। लेकिन एक बात आपके लिए ध्यान रखना है कि आपके लिए चेंजेस करते रहना है हर टीम में, वही टीम दोबारा नहीं बनाना है। और आप एक साथ बता दें कि आप एक ही मैच में एक साथ पांचों टीमों के लिए कौन में ज्वाइन भी कर सकते हैं और दोस्तों आप इन्हें अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें।